सो हे वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बेसिकली और बात करने वाले हैं मेरे खुद के इंटरनेट की, या तुम कह सकते हो बिल्डिंग माय ओन इंटरनेट एट माय होम। यस, अपने घर पे यार खुद का इंटरनेट बनाने की बात हो रही है। बहुत बड़ी बात है यार ये, आई मीन इट्स अ बिग डील, मतलब लगता होगा सुनने में, बट जिस पर्सपेक्टिव से मैंने चीज सोची है आई गेस ये इतनी बड़ी बिग डील भी नहीं है। कैसे, क्या और कब और कैसे, आई मीन हाउ, सारी बातें डिस्कस करूंगा आज के इस एपिसोड में, तो इस वीडियो तक जरूर देखना। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तनिष, आप देख रहे हैं डिजिटल तनिष चेक, लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टैंड को बता दूँ कि हम ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस लेकर आते करते हैं, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन करना मत भूलना। तो अब बात करते हैं हमारा खुद का इंटरनेट कैसे है। पहले जानते हैं इंटरनेट होता क्या है। यार इंटरनेट बेसिकली एक नेटवर्क है जहाँ पर हम सब लोग एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, कॉन्टेंट जो होता है वो सर्वर से अपने फ़ोन में एक्सचेंज कर सकते हैं म्यूचुअली एक दूसरों के बीच में। तो यार हम ये नेटवर्क तो खुद घर पर भी बना सकते हैं, इनफैक्ट यार ये फ़ोन को भी मैं एक नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकता हूँ, FTP नेटवर्क। इनफैक्ट अपने लैपटॉप को मैं एक SMB या SSH नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या फिर अगर आपके पास वाईफाई है तो आप वाईफाई को भी एक ऐसा FTP नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं। बट इन सब में जो बेस्ट रहता है दैट इज़ एन SMB नेटवर्क। SMB नेटवर्क बेस्ट क्यों रहता है, इसमें तुम क्या कर सकते हो, जैसे मैं इस लैपटॉप में मान लो कुछ काम कर रहा हूँ, मान लो वीडियो एडिट मेरा इस लैपटॉप में हो रहा है पर सेव डायरेक्टली मेरे दूसरे लैपटॉप में होगा जिसको मैंने ऐसा SMB होस्ट बना रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं मैंने अपना इंटरनेट कैसे बनाया। आपको मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था बिल्डिंग माय ओन सर्वर करके कुछ था वो, ठीक है। तो उस वीडियो में मैंने अपना खुद का सर्वर बनाया था, लेकिन अब मैंने उसको थोड़ा सा एक अलग मोटिव से देखा, एक अलग पर्सपेक्टिव से देखा उस चीज़ को, एंड आई रियलाइज कि यार मैं कोई भी डेटा इसमें डाउनलोड करके अगर अपलोड कर दूँ तो आई डोंट नीड टू बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। लाइक देखो इंटरनेट इज बेसिकली नेटवर्क जिसको हम इंटरनेट इसलिए कहते हैं बिकॉज हम सब इंटरकनेक्टेड एंड बहुत लार्ज स्केल पे है, एंड ये भी हमारा एक नेटवर्क है जिससे मेरा पूरा घर कनेक्टेड है, मेरे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो अगर मैं मेरे वाईफाई में से जो वाईफाई का जो लेकिन ब्लैक जो फाइबर फाइबर का वायर होता है उसको निकाल दूँ तो भाई कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि स्टिल माई होम इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। अगर मैं सारा का सारा डेटा अपलोड कर दूँ मेरे सर्वर के अंदर तो ये यार मेरे को इंटरनेट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्टली उससे एक्सेस कर सकता हूँ ऑन अ हाई स्पीड, प्लस मैं अपने दूसरे डिवाइस से उसमें सेव भी कर सकता हूँ। तो टेक्निकली इट इज़ अ नेटवर्क, एंड ये एक और सिक्योर इंटरनेट आप कह सकते हो। एंड आई वुड सजेस्ट everyone जिसके पास एक स्पेयर लैपटॉप है वो यार एक SSH सर्वर या SMB सर्वर बेस्ड ऑन Ubuntu ज़रूर बनाओ यार, बिकॉज यार आपका डेटा यहाँ पर सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, प्लस आपको इसलिए क्या करना है अपना जो बाहर का इंटरनेट है उससे डेटा डाउनलोड करो, इसमें अपलोड कर दो, एंड देन बाहर के इंटरनेट से आपका एक्सेस कट कर दो। पर अब बात करते हैं क्या इज़ दिस इवन पॉसिबल कि हम बाहर के इंटरनेट से खुद को कट कर ले, तो नहीं यार दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आपका व्हाट्सएप चलाने के लिए आपको बाहर के इंटरनेट से कनेक्टेड रहना पड़ेगा, आपको यूट्यूब देखना है बाहर के इंटरनेट से कनेक्टेड रहना पड़ेगा, अगर आपको रियल टाइम में देखना है तो आप डाउनलोड करके उसमें अपलोड कर दो, आप वैसे भी देख सकते हो। बट अगर उसको वीडियो कॉल करना है आपको रहना पड़ेगा बाहर के नेटवर्क से कनेक्टेड, आपको नॉर्मल कॉल करना है स्टिल आपको बाहर के नेटवर्क से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते भाई मेरा डेटा अगर सब निकाल के फेंक देते हैं हम इंटर हमारे, क्योंकि यार आप कॉल भी कर पाओगे तो अपने घर के लोगों को कर पाओगे विद सम अदर एप्स जो लोकल नेटवर्क्स पे कॉल कर देती हैं। बट यस, अगर आपको पूरी वर्ल्ड से कनेक्टेड रहने के लिए आपको स्टिल अपने नेटवर्क पे इंटरनेट से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। बट ये सर कुछ हद तक हम कर सकते हैं क्योंकि इससे हमको बेनिफिट्स क्या है, थोड़ा हमको स्पीड अच्छी देखने को मिल जाएगी। ऑफ कोर्स स्पीड आपको अच्छी देखने को मिलेगी, स्पीड क्यों मिलेगी अच्छी, क्योंकि यार जो आपका सर्वर है वो कि घर में ही लगा हुआ है ना, तो स्पीड ऑफ कोर्स अच्छी देखने को मिलेगी आपको ईजिली 10 MB megabyte बोल रहा हूँ MB इसके ऊपर आपको देखने को ईजिली मिल जाएंगी। सो ये सर कुछ ये मेरे को लगता है कुछ है आप कुछ इस टाइप से अपना खुद का इंटरनेट बना सकते हो अपने घर के अंदर। नॉट इवन इंटरनेट, लाइक बेसिकली जो एक नॉर्मल नेटवर्क होता है उसको मैं एक अलग पर्सपेक्टिव से देखूं तो ये सर हम कुछ इस टाइप की चीज़ें कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यार यही थी अच्छी वीडियो, मुझे उम्मीद आपको अच्छी लगी हुई, कहीं को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूं। हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कमाल वाले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।